हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य के अरावली ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अरावली ज़िला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 33 ज़िलों में से एक अरावली ज़िला के नाम से जाना जाता है। अरावली ज़िला गुजरात के एकदम पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा राजस्थान राज्य से मिलती है। अरावली ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस मुदासा शहर में मौजूद है, और अरावली ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम साबरकांठा ज़िला, खेड़ा ज़िला, गांधीनगर ज़िला जो कि गुजरात की राजधानी भी है, महीसागर ज़िला, ये सभी अरावली ज़िला के पड़ोसी ज़िला हैं। अरावली ज़िला में 676 ग्राम, 306 ग्राम पंचायतें, 10 मुख्य सरकारी अस्पताल, 2 नगर पालिका और 3 बिजली घर शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो अरावली ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3217 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अरावली ज़िला की कुल आबादी 10,12,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 5,40,530 और महिला की कुल आबादी 4,70,160 है। अरावली ज़िले का औसत लिंगानुपात 923 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 923 महिला हैं। अरावली ज़िले का मुख्य नदी का नाम साबरमती नदी और बनास नदी है। बनास नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 325 किलोमीटर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 839 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 317 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 586 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। अरावली ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या GJ33 है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग गुजरात के बड़े बड़े ज़िलों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो आगे चलकर गुजरात के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। वैसे यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो अरावली ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अरावली रोड रेलवे स्टेशन है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 67% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 67% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: श्री PT साइंस कॉलेज, श्री SK शाह एंड ओम आर्ट कॉलेज, BD शाह कॉलेज, श्रीमती KA मोदी MSW कॉलेज, डॉक्टर NJ शाह PGDCA कॉलेज, PTC कॉलेज, श्री BH गांधी BCA कॉलेज, श्री KH पटेल कॉलेज, ये जितने भी कॉलेज हैं ये सभी अरावली ज़िला में ही मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सरकारी अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों में शुमार अरावली हॉस्पिटल, डॉक्टर कृति हॉस्पिटल, अक्सर हॉस्पिटल, मैत्री हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर,
पटेल हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, ये सभी मौजूद हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो अरावली ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। अरावली ज़िले का नाम अरावली पहाड़ी के नाम पर ही रखा गया है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में शुमार श्री मुरारी जैन भवन, समला जी मंदिर, जंजारी वाटरफॉल, सिटी होटल, देवनी मोरी, औधरी झील, देवराज धाम, मजाम धाम आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, अरावली ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।